फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूँ श्वेता और आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही यमी एंड टेस्टी डिश है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक विंटर स्पेशल रेसिपी जो है पीनट मसाला ग्रीन बीन्स की सब्जी। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम पीनट मसाला यूज करके ग्रीन बीन्स की सब्जी को बहुत ही टेस्टी एंड यमी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। 2 कटोरी बीन्स चॉप किए हुए, 1 कटोरी प्याज स्लाइस में कटा हुआ, 1/2 कटोरी टमाटर चॉप किए हुए, 1/2 कटोरी रोस्टेड पीनट, मूंगफली को मैंने रोस्ट करके छील लिया है, 5 से 6 लहसुन की कली, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 1 टीस्पून लगेगा हमें, ऑयल 1 टेबलस्पून, सूखे मसाले में हमें लगेगा 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में पीस लूंगी। इसे हमें थोड़ा दरदरा पीस लेना है। तो ये हमारा मसाला बनकर तैयार है, पीनट मसाला। अब मैंने गैस ऑन कर लिया है। अब हम पैन रख देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है हमें, जीरा डालना है, इसमें प्याज डाल दूंगी, प्याज को हमें 30 सेकंड के लिए भून लेना है, हाई फ्लेम रखा है मैंने। बीन्स डाल दूंगी। अब हमें फ्लेम मीडियम कर देना है। सॉल्ट ऐड करना है एज पर टेस्ट। मिला लेना है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है हमें, सॉफ्ट होने तक। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूंगी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिक्स कर लेना है हमें। पानी ऐड करूंगी 1/4 कटोरी। मिक्स कर लेना है हमें। मसाले को अच्छे तरह से भून लेना है हमें। अब हमारा मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करूंगी। मिक्स कर लेना है हमें। अब हम बीन्स को ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। अब मैं इसमें पीनट मसाला जो हमने बनाया था, मूंगफली का मसाला, उसे ऐड कर दूंगी।
अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। एक मिनट हो चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं। हमारा बीन्स पक चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो ये हमारा पीनट मसाला बीन्स बनकर तैयार है। मैं इसमें ऊपर से धनिया ऐड कर दे रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। नमस्कार।